हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल धीरज लाल मैथमेटिक्स में आप सभी लोग को हार्दिक अभिनंदन। मेरे दोस्त, कहिया से सर टापी को मत फाड़ो कलम से प्यार कर, टापी को मत फाड़ कलम से प्यार कर। धीरज लाल से कहना मेरे दोस्तों कि चूमा चाटी से प्यार ना कर, पढ़ाई लिखाई से प्यार कर। इसी के साथ आज हम लोग डिफरेंशिएशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे विद्यार्थी, है ना। क्वेश्चन दिया है वाई बराबर साइन एक्स क्यूब, जो कि प्रीवियस ईयर 2015 ए में पूछा विद्यार्थी, है ना। चलिए आइए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला एक काम करो मेरे दोस्त कि जो भी फंक्शन दिया हुआ रहता है उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए जानो, जो फंक्शन दिया हुआ रहता है उसमें डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तब वाई का डीजी होता है डी वाई बटा डी एक्स। अब यहाँ पर इस साइन एक्स क्यू है तो एक्स क्यू है ना विद्यार्थी, वो एक्स का काम कर जाएगा तो साइन एक्स, और साइन का डीसी होता है क्रॉस आई एक्स के रूप में एक्स क्यू, और एक्स क्यू का डीसी होता है 3x स्क्वायर। हो गया इसका डिफरेंशिएशन। सर याद लिख दीजिए 3x स्क्वायर इनटू क्रॉस एक्स क्यू आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ विद्यार्थी पाई बराबर टैन स्क्वायर जो कि 2015 में पूछा विद्यार्थी। सबसे पहले डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो वाई का डीसी होता है डी वाई बटा डी। सबसे पहले डिफरेंशिएशन में पावर का डीसी तोड़ो तो कितना है, टू है तो टू के शुरू में टैन है तो टैन एक्स, तो टू टैन एक्स हो गया। ये सबसे पहले पावर का डीसी हुआ, उसके बाद जिसके साथ रहता विद्यार्थी उसी का डीसी, तो टू के बाद पहुंची है टैन, तो टैन का डीसी सेम का स्क्वायर एक्स। तब फाइनल जब हो गया जी टू टैन एक्स इनटू सेटा स्क्वायर एक्स की आपका आंसर है। चलिए आइए एक क्वेश्चन और बनते हैं विद्यार्थी जो कि 15, 17, 19 में पूछा है। कुछ नहीं करना विद्यार्थी, सबसे पहले एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आईटीएफ में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है पाई बाई टू, और पाई बाई टू के साथ है एक्स बाई टेन है जी नहीं, तो क्रॉस टेन, और क्रॉस टेन का डीसी हमेशा क्या होता है जीरो, तो इसका आंसर हो गया जीरो। ऑब्जेक्टिव में हम पूछे ना विद्यार्थी, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देना दो नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, जो कि 2013 में पूछा विद्यार्थी y बराबर sin इनटू log x। सबसे पहले जो फंक्शन है उसमें डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब y का dc कितना विद्यार्थी dy बटा dx। जो ये लॉगवा है ना विद्यार्थी वो x का काम का था, वो x का काम साइन एक्स पर है। सबसे पहले साइन का डी, साइन का डी सी क्रॉस, अच्छा एक्स किसको पढ़ा था तो लॉग एक्स, तो लॉग एक्स लिखा है ना, और लॉग का डी सी होता साम वन बटा एक्स, तो मिला के डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्रॉस इनटू लॉग एक्स अपॉन एक्स, यही आपका हो गया आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।